यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई? ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ, सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? बताइए। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई? ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ, सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? बताइए। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।